हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, मैं और रंजू जा रहे हैं बाहर, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, हर जगह पे सेल लगा हुआ है, तो हमने सोचा कि हम भी जाते थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं सेल की चीजें। सो गाइस, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए, जो कि है वेस्ट साइड इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज वन। जी हाँ, हम यहाँ पे आए हैं शॉपिंग करने। यहाँ पे चल रही इंडिपेंडेंस डे की सेल, एंड बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे यू नो अच्छे अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिल रहे हैं। सो हम वही आए हैं एक्सप्लोर करने। सो चलते हैं अंदर। सो अंदर घुसते ही हम सबसे पहले आ गए चप्पल सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांड की चप्पल है जो हम पहनते हैं, एंड वो बहुत ही कंफर्टेबल है। चप्पल के बाद मैंने यहाँ वहाँ देखा, ड्रेसेस में काफ़ी अच्छी सेल थी। सो बहुत ही अच्छा रिजनेबल प्राइस में था सारी चीज़ें। ऊपर फिर मैं ऊपर आ गई बच्चों के सेक्शन में, क्योंकि मुझे शिविका के लिए कुछ कपड़े लेने थे। सो यहाँ वही मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे इन्फेंट्स के लिए कलर हैं, एंड बहुत ही अच्छा प्राइस था, एंड बहुत ही अच्छा मटेरियल था, क्वालिटी था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई मेन सेक्शन में। मैंने सोचा शिव के लिए भी देख लूँ, बट फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैं अपने फेवरेट सेक्शन में आ गई, जो कि है ये वाले सेक्शन। यहाँ पे बेसिकली मुझे कप, प्लेट एंड ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। ये वाला कप ना मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, जब वेस्ट साइड आती हूँ तब देखती हूँ, बट ये 400 रुपये का एक कप है, तो मुझे लेने का मन नहीं करता। एंड ये कभी भी सेल पे नहीं होता है, बाकी चीज़ें सेल पे रहती है। सो ये देखिए, ये मैं हूँ, अच्छी लग रही हूँ। और ये मेरा प्यारा सा चप्पल, ये भी वही उसी ब्रांड का है जो हम यहाँ पे वेस्ट साइड से लेते हैं, लूना ब्लू। और यहाँ पे देखिए, प्यारे प्यारे वास रखे हुए हैं, इसमें कोई ऑफर नहीं था। एंड ये वाले सेक्शन में बहुत कम ऑफर्स रहते हैं, मतलब मैं अब नहीं, मैं पहले भी देख चुकी हूँ, ये वाले सेक्शन में सबसे कम ऑफर रहते हैं। यू नो चप्पल, जूता, ड्रेसेस में आपको मिल जाते हैं, बट इस सेक्शन में यू नो तकिए पे था, फ्लावर पॉट्स पे था, बट मुझे जो चाहिए था उस पर नहीं था। अच्छे से सेक्शन को एक्सप्लोर कर लिया मैंने, अब चलते हैं, देखते हैं अंजू क्या कर रही है, नीचे जाके देखती हूँ मैं। सो चलिए। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए, इन्होंने नया सेक्शन खोला है। जी हाँ, यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बट बहुत अच्छा इन्होंने खोल दिया ये रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप यू नो स्नैक्स ले सकते हैं, बट अभी मुझे नहीं खाना, बिकॉज आई मीन हरी। सो चलती हूँ नीचे, देखती हूँ अंजू क्या कर रही है। आई एम श्योर वो अभी भी चप्पल वाले सेक्शन में होगी, क्योंकि उसको ड्रेसेस नहीं लेना, उसको चप्पल ही लेने हैं, सैंडल्स ही लेने हैं। सो ये देखिए, मुझे अंजू दिख भी गई, वहाँ कोने में खड़े होकर शॉपिंग कर रही है चप्पल की। चलते हैं उसके पास। जो इंडिपेंडेंस डे की सेल है ना, बहुत दिनों से लगी है, हम काफ़ी लेट आए हैं, क्योंकि हमने कुछ कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर ली है। और ये देखिए, यहाँ पे अंजू ये चप्पल ट्राई कर रही है, उसने बहुत सारे ऑप्शन देखे, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं चप्पल। एंड यहाँ पे यू नो ऑप्शंस कम थे, क्योंकि हम इतना लेट आए, तो ऑब्वियसली सारे ऑप्शन जा चुके थे। सो यहाँ पे देखिए, ये सारे जो भी चप्पल ना, सब आपको 700 में मिल रहे हैं, 699। एंड इनका ओरिजिनल प्राइस कुछ 1500 या 1600 है। इस पैटर्न के चप्पल मैं अंजू को बोल रही थी कि ये वाला लो, क्योंकि उसके पास ऐसा पैटर्न में नहीं है, एंड ये इसको अच्छा भी लग रहा था। मैंने ये ट्राई किया, बट मैंने नहीं लिया। अब हो गया हमारा शॉपिंग, अब हम निकल रहे हैं वेस्ट साइड से, और निकल ही रहे थे। यहाँ पे देखिए क्या हो गया। सो जैसे हम बाहर निकलने लगे, एंड वो जो एग्जिट है ना, वहाँ पे हमारा जो भी बैग था, उससे बीप बीप साउंड आने लगा। सो गाइज, जो हमने चप्पल लेने जो ड्रेस लिया था, उस दोनों में इन्होंने उनका टैग लगा हुआ था, इसलिए बीप साउंड आ रहा था। सो दोनों हमने कटवा लिए हैं। उसके बाद हम मैं आ गई मैक्स। मैंने सोचा यहाँ भी कुछ सेल वेल होगा, बट आई वाज डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे कुछ सेल नहीं था, ना ही बच्चों में था, ना ही किड्स में, मतलब वुमेन में, मैन में, और ना ही चप्पल, जूता, बैग, किसी में कोई सेल नहीं था। आई वाज मतलब डिसअपॉइंटेड यार, इंडिपेंडेंस डे का सेल तो हर जगह होता है ना। सो ये देखिए, अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, बट मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जल्दी से घर जाना था। बगल में ही जूडियो था, तो मैंने सोचा कि जाकर थोड़ा जूडियो देख लेती हूँ, बट यहाँ पे बहुत भीड़ थी, और अच्छा सेल था, एंड अच्छे अच्छे कपड़े थे, बट मुझे जो कपड़े पसंद आए थे वो सेल में नहीं था। जैसे कि मुझे ये एक पसंद आया, बट ये सेल में नहीं था, बहुत ही ब्राइट ऑरेंज कलर था। ये सभी कुछ कुछ पसंद आ रहे थे, बट किसी में कोई सेल नहीं था। सो मैंने थोड़ा सा ऐसे चेकआउट किया नए नए कलेक्शन, एंड फिर मैं यहाँ से चली गई।
यहाँ पे काफ़ी भीड़ था एंड अच्छी सेल यहाँ पे लगी थी। जूडियो की सेल हमेशा अच्छी होती है। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बर्तन वाले स्टोर में। मैंने सोचा कि यहाँ पे तो कुछ सेल होगा, यहाँ पे भी सेल नहीं है। सो यहाँ पे मैंने देखे कुछ बर्तन, कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें एंड बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया। सो मैंने ऐसे ही ऐसे देख के मैं फिर चली गई। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने मुझे एक चीज़ अच्छा लगा जो वही मैं अंजू को दिखा रही थी एंड और ज़्यादा हमें शॉपिंग करना नहीं था। सो थोड़ा बहुत शॉपिंग करके हम यहाँ से भी निकल गए और हमें बहुत भूख लगा था। तो बगल में एक मोमो शॉप था, वहाँ पे हमने खाया स्टीम वेज मोमो। बहुत ही तीखा था, बहुत ही यम्मी था। बहुत दिनों बाद इतना तीखा मोमोज खाया। खाने के बाद हमने ऑटो बुक किया एंड अभी ऑटो से हम वापस जा रहे हैं घर। और ये देखिए मैं यहाँ पे बोल रही थी अंजू को देखना, वो फर्स्ट क्राई में भी सेल है बट हमारे पास टाइम नहीं था कि हम जाके वहाँ चेकआउट कर सके। सो चलते हैं अब घर क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। शिविका को छोड़ के आई हूँ इसलिए घर जल्दी जल्दी जाना भी बहुत ज़रूरी है। सो गाइस ये देखिए हम लोग घर पहुँच गए हैं। अब चलती हूँ जल्दी से अंदर, शिविका एंड शिव वेट कर रहे होंगे। सो गाइस फाइनली मैं अंदर आ गई। अंदर मुझे देखते ही शिविका इतनी खुश हो गई कि लड़खड़ा के गिरने ही वाली थी एंड अभी खाना खाए थे एंड खाना खाते खाते उसने खाना खाया और फिर उसको फेंक दिया वही साफ़ कर रहे हैं शिव। और मैं इसे पूछ रही हूँ मुझे मिस किया कि नहीं, मुझे मिस किया कि नहीं, और ये शर्मा रही है। और यहाँ पे देखिए आज ठंडा है तो हमने इसको सॉक्स पहना के रखा है लेकिन ये सॉक्स पहनती नहीं है, खोल देती है। एंड यहाँ मैं बेसिकली बता रही हूँ कि मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा मुझे भी जुकाम हो गया है, शिविका को भी हो गया है। सो एंड लंच भी नहीं किया मैंने, तो वही सब मैं बोल रही थी कि मुझे लंच भी करना है। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मैं स्टीम लूँगी तो मुझे देख के शिविका भी स्टीम लेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसने थोड़ा बहुत लिया बट वो बहुत ही खेलने वाले मूड में थी। सो मैंने गर्म पानी में अदरक डाल दिया था ताकि हम दोनों स्टीम लें एंड थोड़ा मां जो सर्दी है थोड़ा सा ठीक हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ पे देखिए अंजू एंड शिविका लड़ाई कर रहे थे और अंजू रोने का नाटक कर रही थी और मैं उसको बोल रही थी कि बेटा सॉरी बोल दो, मासी को सॉरी बोल दो, बट ये भी ज़िद्दी है एकदम पूरा, मतलब पूरे ज़िद्द पे अड़ी हुई थी कि सॉरी नहीं बोलूँगी। फिर बहुत मैंने उसको बोला कि मासी है, इतना प्यार करती है, इतना ख्याल रखती है। उसके बाद फिर थोड़ा सा गुस्सा किया एंड देन फिर सॉरी बोला इसने। सो बेसिकली सिबलिंग्स में ऐसे झगड़े होते रहते हैं बट हमारे घर में, मेरे घर में मासी और मेरी बेटी के बीच में ऐसा छोटा मोटा नोकझोंक होते रहता है। सो एक तरह का टाइम पास भी है और बहुत मज़ा आता है इन लोग ऐसे फनीली लड़ते हुए देख के। और यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ ये जा रही थी उसके पीछे पीछे अंजू जा रहे थे कि सॉरी बोलो, और गुस्से में देखो ये सॉरी तो बोल दी फिर गुस्सा दिखाने लगी एंड जो भी ये कैक्टस था ना टॉकिंग कैक्टस उसको फेंकने लगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने शिव को यहाँ बहुत डांट लगाया। और ये देखिए अब शाम का टाइम हो गया था तो ये हॉट चॉकलेट अंजू की तरफ से बहुत दिन से पेंडिंग था, उसने मुझे बोला था मैं तुमको पिलाऊंगी। सो फाइनली आज मैं पी रही हूँ, बहुत ही यम्मी था, बहुत ही क्विकली इसने बना दिया। एक हॉट चॉकलेट का पाउडर आता है, आप उसको दूध में मिक्स करो एंड देन इट इज़ रेडी टू ड्रिंक। और यहाँ पे फिर इन लोगों का नोकझोंक स्टार्ट हो गया और छोटा सा क्यूट सा लड़ाई बहस जो भी आप बोलो बहुत फनी लगता है इन लोगों को ऐसा देख के। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ अपने सोसाइटी के बेसमेंट में क्योंकि शिविका बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है। सो मैंने सोचा कि इसको साइकिल पे घुमाऊंगी एंड थोड़ा बहुत चावल दाल खिलाऊंगी तो शायद खा ले, वही मैं कोशिश कर रही थी। उसने थोड़ा बहुत खाया भी लेकिन ये लास्ट वाइट उसने छोड़ दिया, बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद उसने नहीं खाया। सो मैंने खा लिया और अभी इसको दो तीन राउंड और घुमाऊंगी ताकि इसको फ्रेश लगे एंड फिर इसको लेके ऊपर चले जाऊंगी। सो यहाँ पे देखिए मजे से घूम रही है।
गाइस अभी हो गया शाम और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने। सो आज मैं थोड़ा अर्ली डिनर बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में आए हैं मेरे ब्रदर इन लॉ। सो ये बेसिकली मेरे चचेरे देवर जी हैं। सो ये आए हैं बैंगलोर घूमने के लिए। सो आज ये हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। सो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ ये मैंने आटा गूंद लिया है और साथ ही मैं बनाऊँगी चिली पनीर एंड बैंगन का भाजा। सो देखते हैं कैसा बनता है। सो उसी की प्रिपरेशन पहले मैं कर लेती हूँ। एंड अभी देखिए शाम का टाइम हो गया था। सो मैंने और अंजू सब मिलके खा रहे हैं यहाँ पे कचौरी समोसा चाय। और मैं क्या खाऊँगी, शिविका ही पहले मेरा खाना खाने लगी। सो चलिए मैं इसको खा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा यूनो चिली पनीर बन गया है, बैगन भाजा बन ही रहा है एंड ये रोटी बना रही हूँ। साइमल्टेनियसली मैं क्या कर रही हूँ, शिव एंड अपने जो ब्रदर इन लॉ उनको खाना परोस रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों का खाना निकाल दिया है अच्छे से और गर्मा गर्म मैं दोनों को रोटी परोस रही हूँ। और अभी ले जाती हूँ और देखती हूँ कैसा उनको लगता है मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना। सो गाइस ये देखिए ये है मेरे ब्रदर इन लॉ एंड यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की थी बट आई डोंट नो क्यों मेरा जो भी ऑडियो मैंने कैप्चर किया था वो कैप्चर नहीं हुआ है। सो इसलिए मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ। और ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि ये क्यों बैंगलोर आए थे। सो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम करते बट टाइम टू टाइम यू नो वहाँ से निकल के घूमने आते रहते हैं एंड ये अभी भी घूमने आए हुए हैं बैंगलोर। पहले ही बैंगलोर में ही रहते थे तो वही सब हम लोग बातें कर रहे थे, पुरानी बातें एंड बैंगलोर पहले कैसा था अभी कैसा हो गया है और उड़ीसा की बातें, वही सब हम बातें ही कर रहे थे।